हाय स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग 8th चैप्टर ऑफ 10th क्लास. नेम ऑफ चैप्टर इज ओल्ड मैन एट द ब्रिज. इन द प्रीवियस वॉल्यूम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ पर्सन हु केम फ्रॉम सैन कार्लोस एंड ही हैड टू वेकेटेड हिज होम टाउन बिकॉज ऑफ आर्टिलरी. He was taking care of some animals at his home, but the soldiers made him leave the town. Now he was sitting at the edge or side of the road near the bridge. He was frequently missing his home and the animals. Now, in this volume, we are going to discuss the remaining portion of this chapter. When this soldier asked him why he left the town in that condition, he said that there was artillery, that's why he had to leave the town. And he also describes something about the situation of that place. So we are going to start it. एंड यू हैड टू लीव दैम आस्क आई आस्क्ड और मैंने पूछा और तुम्हें वो सब छोड़ना पड़ा या उन सबको छोड़ना पड़ा. यस बिकॉज ऑफ द आर्टलरी. हाँ, तोप खाने की वजह से. आर्टलरी मीन्स होता है तोप खाना. जब भारी मात्रा में गन वगैरह फायर की जाती है, एक्सप्लोजिव यूज़ किए जाते हैं एनिमीज के द्वारा, तो उसको हम आर्टलरी बोलते हैं. द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टलरी. और जो कैप्टन था उस आर्मी से, आर्मी का, उसने मुझे आर्टलरी वजह से वहाँ से जाने के लिए कहा था. एंड यू हैव नो फैमिली. और तुम्हें, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है. आई आस्क, मैंने पूछा. वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक. मैंने पूछा उस ब्रिज के दूर के किनारे की तरफ देखते हुए, जहाँ पे अब अंतिम कुछ ही गाड़ियाँ तेज़ी से उस किनारे के ढाल पे जा रही थी. हरी मीन्स होता है टू गो फास्ट. हरी मीन्स टू गो फास्ट, तेज़ी से जाना. बैंक का मीनिंग होता है किनारा. बैंक मीन्स किनारा, जनरली रिवर्स के लिए और जो ब्रिज होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. स्लोप मीन्स ढाल, या ढालू बोल सकते हैं इसको. अरे मीन्स तेजी से जाना होता ही. एंड यू हैव नो फैमिली. और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है. तो मैंने पूछा, देख यहाँ पे जो लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है यहाँ पे. बट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सिंपल. दिस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बट द टोन ऑफ द स्पीकर इज ऑफ आस्किंग समथिंग. इन दैट कंडीशन वी आर पुटिंग हियर क्वेश्चन मार्क. सो समटाइम्स द टोन ऑफ द स्टेटमेंट डिसाइड्स वेदर इट इज अ सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड इन दिस द टोन ऑफ द स्पीकर इज आस्किंग समथिंग. वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेरी फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक. मैंने अंतिम, उस ब्रिज के अंतिम छोर पे देखते हुए पूछा, जहाँ पे अब कुछ ही गाड़ियाँ उस ढालू किनारे के नीचे तेज़ी से जा रही थी. नो ही सेड. और उसने कहा नहीं.
ओनली द एनिमल्स, केवल एनिमल्स ही है। तो यहाँ पे एक सिंपैथेटिक जो अप्रोच है वो दिखाई देती है हमें, जिसे वो एनिमल्स को ही अपनी फैमिली का मेंबर मानता है। द केट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, जो बिल्ली है वो निश्चित रूप से ठीक होगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट्सेल्फ, लुक आउट फॉर समथिंग इसका मतलब होता है द पर्सन हु कैन थिंक अबाउट हिज इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो व्यक्ति अपने लाभ के बारे में सोच सकता हो या अपना जो शेल्टर है वो ढूंढ सकता हो। ठीक है, तो अपना जो ठिकाना ढूंढ सकता हो उसके लिए पूरा वर्ड यूज करते हैं। द केट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, जो बिल्ली है वो निश्चित रूप से ठीक होगी। जो एक बिल्ली होती है वो अपने आप अपना ठिकाना ढूंढ लेती है या अपना हित वो खुद देख सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, परंतु मैं नहीं सोच सकता कि दूसरों का क्या होगा, दूसरे कौन से बच गए, जो अभी गोट हैं और फोर पेयर ऑफ पिजन्स हैं। टोटल एनिमल्स जो थे वो 11 थे, 1 कैट थी। ठीक, उसके अलावा गोट्स थी और 8 पिजन्स थे। सो वी कैन से दैट देयर वर 1 कैट, 2 गॉड्स एंड 8 पिजन्स। सो टोटल एनिमल्स वर 11। Here he is unable to think about the other animals because he was sure that they all would not be able to save themselves in the condition of artillery. What politics you have? I asked. तो मैंने पूछा आपकी कौन सी politics है? Politics means here which political ideology do you follow? कौन सी जो राजनीतिक विचारधारा उसको आप फॉलो करते हो? तो यहाँ पे पॉलिटिकल जो विचारधारा है उनके बारे में पूछ रहे हैं ये कि आपकी कौन सी पॉलिटिकल विचारधारा है। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स ही सेड, और उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी पॉलिटिकल विचारधारा के हूँ, कि मेरी कोई विचारधारा नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई एम 76 ईयर ओल्ड, मैं 76 ईयर्स का हूँ। 76 ईयर्स ये उनकी एज है, जो ओल्ड मैन है उसकी। इसका ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम उसका कैरेक्टर स्केच लिखेंगे, और एक कैरेक्टर स्केच 100% ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन से, एग्जामिनेशन में जो कि रेजोल्यूशन से पूछा जाता है, तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मेरी कोई पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 ईयर्स का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, मैं अभी तक 12 किलोमीटर आ चुका हूँ और अब मैं सोचता हूँ कि मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ। फर्दर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है किसकी, फार की। फार मीन्स होता है दूर, और फर्दर मीन्स होता है ज़्यादा दूर, और इसी का सुपरलेटिव डिग्री होता है फारदेस्ट। ये यूज़ किया जाता है डिस्टेंस के लिए। वहीं फार की जो दूसरी जो डिग्रीज है वो होती है फर्दर और फारदेस्ट। ठीक है, ये जो डिग्री यूज़ की जाती है वो यूज़ किया जाती है सीक्वेंस के लिए। तो फार, फारदर, फारदेस्ट, this is used for distance, and far, further, furthest, this is used for sequence or rank of someone. और मैं सोचता हूँ कि मैं और आगे नहीं जा सकता। this is not a good place to stop, I said, मैंने कहा, रुकने के लिए एक ये अच्छा जगह नहीं है।
If you can make it, there are tracks of the road where it forks for Tortosa. अगर तुम ये कर सकते हो, इट इफ़ यू कैन मैक इट, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो वहाँ पे जहाँ से रोड दो हिस्सों में बढ़ती है टोर्टोसा के लिए, वहाँ पे ट्रक्स हैं, मतलब वहाँ पे ट्रक से तुम आगे जा सकते हो. तो फोक का मीनिंग क्या होता है ना, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना इस तरीके से. ये रोड मान लीजिए और ये क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो यहाँ पे इसको फोक रोड हम बोल सकते हैं. ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो ये फर्स्ट फोक हो गया, ये सेकंड फोक हो गया. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये तो तुम किसी प्रकार ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर सकते हो जहाँ ये सड़क टोर्टोसा के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. तो वहाँ सड़क पर ट्रक लगे हैं, मतलब वहाँ से ट्रक में से होकर आप जा सकते हो. आई विल वेट वाइल ही सेड, उसने कहा मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा. वाइल मीन्स फॉर लिटिल टाइम, थोड़े समय के लिए. एंड देन आई विल गो, और तब मैं चला जाऊँगा. वेट डू द ट्रक्स गो, जो ट्रक्स वो कहाँ जाते हैं, टुवर्ड्स बार्सिलोना. आई टोल्ड हिम, मैंने कहा बार्सिलोना की ओर. आई नो ऑफ नो वन इन द डायरेक्शन, मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता हूँ. ही सेड, उसने कहा, बट थैंक यू वेरी मच, परंतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू अगेन वेरी मच, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो उस सोल्जर को थैंक्स क्यों बोल रहा है, जस्ट बिकॉज द सोल्जर वॉज काइंड टू हिम, ही वॉज टॉकिंग टू हिम विद अफेक्शन, एंड ही वॉज ऑल्सो शोइंग हिम सिंपैथी, एंड ही वॉज वेरी गुड फेलो हु वॉज इंटरेस्टेड टू हेल्प एन ओल्ड मैन. बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स द ओल्ड मैन वॉज गिविंग थैंक्स टू हिम. ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, उसने खालीपन से और थके हुए रूप से मेरी तरफ देखा. ब्लैंकली खालीपन से, खालीपन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी फीलिंग. यहाँ पे खालीपन किस चीज़ का, फीलिंग्स का या इमोशंस का कोई. एंटायरली मीन्स होता है थकावा, तो उसने बहुत ज़्यादा थके हुए और भाव शून्य होकर मेरी तरफ देखा. देन सेड, और उसके बाद में कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विथ समवन, जिससे कि वह अपनी जो चिंता है वो किसी के साथ में शेयर कर रहे थे. वरी मीन्स होता है चिंता, वरी मीन्स चिंता. द केट विल बी ऑल राइट, जो बिल्ली है वो ठीक रहेगी. आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ. देर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट. अनक्वाइट मीन्स होता है अशांत, क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत. वही है जिसमें हम बोलते हैं बी क्वाइट, उसी में हमने अन जो है वो नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एक प्रीफिक्स यूज किया जो इसका अपोजिट बना देता है, तो ये हो जाएगा अशांत. देर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, कैट के बारे में अशांत होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. बट द अदर्स, परंतु दूसरे. नाउ वॉट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, अब तुम दूसरों के बारे में क्या सोचते हो. इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द एनिमल्स टू होम ही हैड लेफ्ट एट द प्लेस वेयर ही यूज टू लिव. वाई दे विल बी प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्यों वो शायद इस विपत्ति से निकल जाएंगे. कम थ्रू मीन्स होता है विपत्ति से निकल जाना, टू कम आउट फ्रॉम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है, वो संभवत है या शायद इस सिचुएशन से बिल्कुल ठीक होकर निकल जाएंगे. यू थिंक सो, तुम ऐसा सोचते हो. ये कौन बोल रहा है, वो ओल्ड मैन किससे,
उस सोल्जर से, वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सेड वॉचिंग द फार बैंक वेर नाउ देर वर नो कार्ड्स. मैंने उस दूर के किनारे की तरफ देखते हुए कहा जहाँ पे अब कोई गाड़ियाँ नहीं थी. बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी वेन आई वॉज टोल्ड टू लिव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी. परंतु वो उस तोपखाने के अंदर क्या करेंगे, उस गोलीबारी में क्या करेंगे, जब मुझे कह दिया गया है आर्टिलरी की वजह से छोड़ने के लिए उस जगह को. तो ये यहाँ पे उनको ये वरी हो रही है. वरीड ये पर्सन बोला अगर वो एनिमल्स वहाँ रहते हैं तो उस गोलीबारी के दौरान क्या करेंगे, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे ये कह दिया गया है कि आर्टिलरी होने वाली है और इसलिए आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए. तो वो तो एनिमल्स हैं, उतना कुछ सोच नहीं पाएंगे. तो इसलिए अब भी उनको उन एनिमल्स की चिंता हो रही है. डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड. मैंने पूछा क्या आपने वो डव केज जो था उसको खुला छोड़ दिया था. अनलॉक्ड मीन्स खुला, ओपन. डव यूज़ करते हैं फागता के लिए, ठीक है. फागता एक बर्ड होता है. यहाँ पे डव केज का मीनिंग उसी से है जो किसी भी बर्ड को हम रखने के लिए केज यूज़ करते हैं, उसी के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है. डिड यू लीव दैट डव केज अनलॉक्ड, क्या आपने उस डव केज को ओपन छोड़ दिया था. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. यस, हाँ, उन्होंने आंसर दिया. देन दे विल फ्लाई, तब वो उड़ जाएंगे. यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ निश्चित रूप से वो उड़ जाएंगे. सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित रूप से, श्योरली. बट द अदर्स, परंतु दूसरे, अब दूसरे कौन से बच गए. केट जो है वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, यह उनको लगता है ऐसा, ठीक है. जो भी ऑल्ड मैन है उसको ऐसा लग रहा है कि जो कैट है वो अपना ख्याल खुद रख लेगी. फिर जब जो सोल्जर वो ये बताता है कि यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने उनको ओपन केज में रखा है या केज को ओपन रखा है तो निश्चित रूप से उड़ जाएंगे. और ऐसा ये भी एडमिट कर लेता है. परंतु फिर भी जो अदर एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स कौन से रह गए, कैट्स, उनके बारे में वो सोचते रहते हैं. कैट्स कितने थे, 2, और जो पिजन्स थे वो देवर 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स, मीन्स देर वर 8 पिजन्स एंड देर वॉज ओनली 1 कैट. टोटल नंबर ऑफ द एनिमल्स और बर्ड्स वॉज 11. इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, बेहतर होगा आप जो दूसरे उनके बारे में न सोचे. ही सेड, उसने कहा. इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, अगर आपने इंतज़ार कर लिया है, सॉरी आराम कर लिया है, तो मैं जाऊँ. आई आस्क्ड, मैंने रिक्वेस्ट की. गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, खड़े हो जाइए और चलने की कोशिश कीजिए. अब सोल्जर कहाँ जाना चाहता है, अपने रेस्ट रूम में शायद, जहाँ पे भी वो मोर्चा उन्होंने बना रखा वहाँ पे. थैंक यू ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, उन्होंने धन्यवाद दिया और वो अपने पैर पे खड़े हुए. गॉट टू हिज फीट मीन्स होता है टू स्टूड टू हिज फीट. स्वैग फ्रॉम साइड टू साइड, वो इधर उधर झूले. स्वे मीन्स होता है झूलना, मीन्स लड़खड़ाना. साइड टू साइड, इधर उधर, हियर एंड देयर. देन सिट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, और फिर पीछे की तरफ जो डस्ट थी, जो रेत थी, उसमें वो बैठ गए. चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं थी. आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, में केवल जानवरों की देखभाल ही कर रहा था. ही सेड डली, उन्होंने निराशापूर्ण तरीके से कहा. बट नो लॉन्गर टू मी, परंतु अब वो मुझे नहीं कह रहे थे. डली मीन्स होता है निराशा से, या फिर हम बोल सकते हैं इसको धीरे से. आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, में केवल जानवरों की ही देखभाल कर रहा था. देर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, देर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था. मतलब उसके लिए करने को कुछ नहीं रहा था. इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टूअर्ड्स द इब्रो. ये ईस्टर संडे था. ये ईस्टर संडे जो है वो एक क्रिश्चियंस में एक त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, ठीक. और जो फासिस्ट थे, फासिस्ट एक राजनीतिक विचारधारा होती है,
उसको मानने वाले जो लोग थे वो इब्रो की तरफ बढ़ रहे थे। इब्रो एक रिवर का नाम है, तो इब्रो रिवर की तरफ वो क्या कर रहे, बढ़ रहे थे। एडवांस मीन्स होता है बढ़ना। इट वॉज अ ग्रे और कॉस्ट डे विद लो सीलिंग सो देयर प्लान्स वर नॉट अप। ये एक धुंधला बादलों से आच्छादित दिन था जिसमें बादल नीचे की तरफ छाए हुए थे और इसलिए उनके जो प्लान्स थे वो आकाश में नहीं थे। किन के प्लान्स? जो फासिस्ट थे, ठीक है, ये उनके टाउन को या उसके शहर को क्या करना चाहते थे, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते थे। और इसीलिए जो फासिस्ट आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए ओल्ड मैन जो है उसको वहाँ से अपना होम टाउन छोड़कर जाना पड़ा। और कास्ट मीन्स होता है बादलों से आच्छादित, क्लाउडी। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वाज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड नेवर सॉरी एवर हैव। और ये फैक्ट कि जो बिल्लियाँ हो वो अपनी देखभाल खुद कर लेती है, ये वो एक गुड लक था जो उस ओल्ड मैन के साथ में हमेशा से रहेगा या हमेशा रहेगा। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ही वॉज अ ग्रेट राइटर, फिलोसोफर एंड novelist. Thanks.